में दर्शकों को बता दें, ये ब्रिक्स देशों के नेता इस वक्त बाहर आ रहे हैं, अपने हॉल से बाहर आ रहे हैं और अब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए बाहर आ रहे हैं। ग्रुप फोटोग्राफ होगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी। वेल इनफैक्ट दिस इज द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द ब्रिक्स समिट इन गोवा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील मिशेल थेमर, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग एंड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जैकब जुमा टुगेदर विल डिस्कस ग्लोबल ग्रोथ prospects and the role of BRICS in leading this global growth. As we all know, India is hosting this 8th BRICS summit in Goa, and the theme of India's BRICS chairmanship is building responsive, inclusive and collective solutions. And during India's BRICS chairmanship, a five-pronged approach will be adopted in this summit: institution building to further deepen and sustain and institutionalize BRICS cooperation, implementation of the decisions from previous summits, integrating the existing cooperation mechanisms, innovation, that is new cooperation mechanisms, and continuity, that is continuation of mutually agreed existing BRICS cooperation mechanisms. So this is the five-pronged approach outlined by India in this summit. We've just seen the Prime Minister Narendra Modi receiving the heads of other BRIC countries: Brazil, Russia, China and South Africa. And there will be a group photograph, as Rahul was saying, and then followed by the summit level talks which will be held after this group photograph. जी हाँ वेंकट, और जिस तरह से जो तस्वीरें आपसे कुछ सेकंड्स बाद सामने आने वाली है, काफी अहम है, क्योंकि जो पांच बड़े नेताओं को हम देखेंगे वो दुनिया की 43% यानी 43% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी दुनिया का जो GDP है उसका 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो पूरी दुनिया में कारोबार है उसका 17% हिस्सेदारी इन पांच नेताओं के का प्रतिनिधित्व वाले देशों के पास है। तो ये छोटा समूह नहीं है। जो हैसियत G7 या G20 को मिली हुई है वो हैसियत आने वाले कुछ वर्षों में ब्रिक्स को मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप चीन देखिए, भारत देखिए, दुनिया के दो सबसे बड़े आबादी वाले देश, रशिया क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा देश, और ये जो तस्वीर इस वक्त है ये काफ़ी अपने आप में अहम है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लुक एट दैट विजुअल्स, द फाइव पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉकिंग देयर, एंड देन वी आर सेइंग दैट द ब्रिक्स इज इमर्जिंग टू बी वन ऑफ द पावरफुल ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड एज वेल। वी आर सेइंग द लीडर्स ऑफ ब्रिक्स नेशंस followed over here, Prime Minister Narendra Modi, Russia President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Jacob Zuma as well. That visual itself explains us that the powerful and then the emergence of this bloc, BRICS, how crucial it is for the economy point of view and also the strategic point of view. And as I was mentioning, there's a five-pronged approach as well, and the outcome of this BRICS summit would be crucial for the sustainable development, what we are talking about, what all the leaders are talking about across the world. This is the photograph, group photograph, where the leaders of BRICS nations would be taking NAF. देख रहे हैं जो घोषणा पत्र जिसके आने की संभावना है, उस घोषणा पत्र के साथ ये तस्वीर भी सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। तमाम पांचों बड़े नेता हाथ में हाथ मिलाकर कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश करेंगे जिससे पांचों देशों की आबादी को फ़ायदा हो और पांचों देशों की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो। विश्वनाथन जी, इस वक्त नेताओं के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अधिकारीगण जो लास्ट मोमेंट फिनिशिंग लाइन है उसको ख़त्म करने में जुटे होंगे कि घोषणा पत्र अगर आएगा तो उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाए, इस पर बातचीत के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन नेताओं के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, कौन कौन से अपने अपने देशों की प्राथमिकताएं इस वक्त दिमाग में सबसे ऊपर होगी?